जो है वो बिना रुकावट की होती रहे साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हो एंड नोटिंग डाउन क्लियर हो जाएं और कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द गोल गोल क्या है कि आप लोग बेस्ट स्कोर करो अपने एग्जाम्स में तो इस वक्त अगर हम इतने कॉन्फिडेंट हैं एंड नोबड़ी कैन स्टॉप फ्रॉम अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल डेफिनेटली हम होंगे

जहाँ आपको एक वर्ड की जो भी स्पेलिंग लिखनी है वो ना उसको ऐसे ऊपर नीचे बिखर के यू नो शुड लाइक काइंड ऑफ जम्बल्ड में आपको इधर उधर करके स्पेलिंग के वर्ड्स दे दिए जाते थे एंड यू वर आस्ट कि इन वर्ड्स को यूज़ कर कर एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बना करेक्ट अब यहाँ आपसे एक वर्ड का नहीं पूछा जाता यू गेट वर्ड यू गेट सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस जिनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है जिन्हें ऊपर नीचे कर दिया जाता है एंड यू आर आज कि भाई इसको अच्छे से अरेंज करो इन अ प्रॉपर सेंटेंस तो सॉर्ट sort ऑफ of आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या होते हैं जंबल्ड वर्ड्स या कह लेते हैं जो टेक्निक पूछी जा रही है एग्जाम में वो क्या है सेकेंडली वट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप कोई गलती ना करो इन क्वेश्चन में एंड थर्ड थिंग मैं आपको कराऊंगी अराउंड फाइव क्वेश्चन सॉल्व जहां आपके दो टाइप के फॉर्मेट्स जो हैं जिनकी पॉसिबिलिटी जो है की नाइनटी परसेंट टू नाइनटी फाइव परसेंट है पूछे जाने की और एक सिर्फ आई गेट फाइव टू सिक्स परसेंट चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो वो सब हम डिस्कस करेंगे तो ले देखिए ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छे से एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा कि एग्जैक्टली exactly हम क्या करने वाले हैं डन ओके पहला जो आपका मेन uh, मुद्दा होना चाहिए वो यही दैट वॉट डू वी एक्चुअली मीन बाय जम्बल वर्ड्स लाइक ये है क्या है ना जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं एग्जैक्टली वॉट डू वी मीन बाय द टॉपिक सो जम्बल्ड वर्ड्स और सेंटेंसेज इज द टेक्निक फॉर प्लेसिंग द जम्बल्ड वर्ड्स और सेंटेंसेज इन टू एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर सो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज वेन प्लेस टूगेदर इज क्लियर एंड करेक्ट तो जंबल वर्ड्स का ये फिनमुना रहता है कि आपको बहुत सारे ना मतलब एक सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट इधर उधर दे दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इन वर्ड्स को ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो या एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो जिससे जो भी सेंटेंस फाइनली बने उसका एक सही मीनिंग हो लाइक द प्रॉपरली फॉर्म सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल एंड ऑबियसली वो सही भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ग्रामेटिकल रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द पंचुएशन मार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो ये पुले देके बहुत ही ईजी सा टॉपिक है कुछ नहीं आपको बहुत सारे पार्ट दे देंगे अब देखो जब हमें सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है और आपको सब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं दैट टाइम थोड़ा आपको दिमाग यूज करना पड़ता है कि भाई क्या सेंटेंस बन सकता है बट वेन यू ऑलरेडी गेट फोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू क्या आप सीधे सीधे ऑप्शन पढ़ के गलती नहीं ढूंढ सकते हो कि भैया ये नहीं होना चाहिए या फिर इसमें ये गलती है ऑब्वियसली करेक्ट तो इसी तरीके से हमें भी अगर जम्बल वर्ड्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वी विल गेट एमसी क्यूज का पैटर्न अब उन एमसी क्यूज में आप ऑप्शन पढ़ के ही समझ जाओगे कि गलती कौन से ऑप्शन में नहीं है और वही आपका आंसर होगा अब ये कैसे करना है वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगे ठीक है तो ले देखिए अभी आपको एटलीस्ट आई होप क्लियर हो गया है कि जम्बल वर्ड्स है क्या डन ओके okay. अब किसी भी टॉपिक को आ, अच्छे से यू नो बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीके से उसको ध्यान में रखने के लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स मिल जाए तो मजा आ जाए करेक्ट तो इसी तरीके से जंबल्ड वर्ड्स के ना वैसे बहुत सारे टिप्स होते हैं बट हम जो है आ, सिर्फ यही टिप्स को पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि जो भी टिप्स और होते हैं लाइक बहुत लंबी लिस्ट है आपको डिफरेंट डिफरेंट डिफरें, डिफरें डिफरें ग्रामेटिकल वेज में बता दिया जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके रूल्स बता दिए जाते हैं तो वो सब चीज़ें तब यूज़ करो जब आपको सब्जेक्टिव टाइप का कुछ करना अभी हमको सीधे ऑप्शंस देख के हम गलतियां पकड़ेंगे साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के साथ आप रूल्स समझेंगे तब जाके आपको जो है अच्छे समझ आएगा अदरवाइज ऐसे रूल्स लिख के रटने से एक नहीं मिलने वाला ठीक है सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी नीड टू रीड द टिप्स दीज आर वेरी सिंपल टिप्स ठीक है बट दिस इज गोइंग टू गिव यू एक थोड़ा सा यू नो एडवांटेज कि हाँ ठीक है हम इनको यूज कर सकते हैं पहला टिप हमेशा यही होता है ट्राई टू फाइंड आउट द टॉपिक एट जो भी सेंटेंस है उसके अगर आप पार्ट्स एक साथ पढ़ लेते हो आपको कोशिश ये करनी है कि एग्जैक्टली exactly बात क्या करना चाह रहे हैं सेंटेंस वो मैं समझ जाऊँ लाइक वॉट इज द एक्चुअल टॉपिक दैट्स बीन डिस्कस्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर जम्बल्ड वाले वर्ड्स एंड इफ यू गेट टू नो अबाउट द टॉपिक देन सेपरेटली आप इन सबको अरेंज कर कर बहुत प्यारा मीनिंगफुल सेंटेंस ईजिली फॉर्म कर लोगे सो so, ये yes, सबसे पहली चीज है ट्राई टू अंडरस्टैंड की टॉपिक क्या चल रहा है सेकेंड टिप है ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर्म नाउ वेन यू काइंड ऑफ अंडरस्टूड द टॉपिक यू अरेन्ज द पार्ट इन अ प्रॉपर सेंटेंस बट नाउ इट्स टाइम टू चेक कि आपने जो सेंटेंस बनाया है इज इट करेक्ट और नॉट डू यू थिंक कि उसका कोई प्रॉपर मीनिंग है भी या नहीं एंड वेन यू फील कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है सेंटेंस में देर इज सम एन एरर देन यू नीड टू स्पॉट इट और फिर उसको करेक्ट करो फिर ऑर्डर सही करो एंड अगेन आपको चेक करना है कि मीनिंग निकल रहा है कि नहीं सो so, ले देखिए सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड व हेल्प ऑफ टू थिंग्स वन या तो उसको ट्रांसलेट करके देख लो नंबर टू यू शुड सी कि भैया ग्रामेटिकल कोई एरर्स तो कमिट नहीं हो रहे हैं ठीक है थीके? थर्ड जो है वो एक तरीके की झलकी है ग्लिम्स है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है लाइक like, क्या क्या टाइप के रूल्स यूज करने पड़ते हैं तो ये एक छोटा सा रूल है अभी पढ़ेंगे बट येस इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो हम सेपरेट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे वो क्या है इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट विद ने नेम ऑफ अ पर्सन यानी कि सब्जेक्ट देन दैट सेंटेंस विल डेफिनेटली बी द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ टू बी फाउंड हो सकता है पूरे सेंटेंस में आपके पास कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं एंड यू हैव अ नेम ऑफ अ पर्सन गिवन या फिर हो सकता है कि किसी सेंटेंस में शायद आपको सब्जेक्ट जो है आ, वो किसी प्रोनाउन वगैरह के फॉर्म में दिया हुआ है एंड यू आल्सो गेट अ नेम जो कि शायद कोई दूसरे तरीके से उसमें इस्तेमाल हो रहा है तो अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक नेम दिया हुआ है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है देन डेफिनेटली उसी से स्टार्ट करो अपने सेंटेंस को एंड काइंड ऑफ एलिमिनेट दी ऑप्शन जो उनसे स्टार्ट नहीं हो रहे ठीक है थीके? अब ये तक क्लियर पढ़ने से नहीं होता ये प्रूफ है कि मैंने और टिप्स क्यों नहीं लिखी जो रूल्स टाइप के होते हैं क्योंकि ये पढ़ लिया आपने अब जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे क्लियर होगा क्या किसको अप्लाई कैसे करना है राइट right? तो हमेशा एप्लीकेशन देखना इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली वी कांट मतलब हमको ना ऐसे रटने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है सो व्हाट इफ अगर हम क्वेश्चन से अप्लाई पहले क्वेश्चन को समझें फिर हम देखें कि ट्रिक क्या है और फिर अप्लाई करके देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा फिर क्या होता है ना देखो दो चीजें होती हैं अगर आपके पास पहले ही रूल्स होते हैं आप रट लेते हो तो आपके दिमाग में वही चलता रहता है अरे अब कौन सी ट्रिक लगानी थी अब कौन सा रूल लगेगा और उस चक्कर में कई कबार हम जो है क्वेश्चन को ईजीली अटेम्प्ट कर सकते थे बट हम जो है वो डिफिकल्ट एडवांस वाले पाथ पे वॉक

करना क्या है अरेंज द अरेज दर्ज अप्रोप्रिएटली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं आपको इन्हीं को अरेंज करना है एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है कि हम रोड पे रूल्स ओबे करने की बात कर रहे हैं करेक्ट और मस्ट दिया है मस्ट मॉडल्स में हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा अगर एक स्ट्रॉन्ग हंड्रेड परसेंट मोहर लग जाती है एक ऑब्लिगेशन लग जाता है कि करना ही पड़ेगा ये चीज करना ही है कोई भी इफ नो no, नहीं है पॉसिबिलिटी देन वी गो विथ मस्ट मस्ट बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि हमको जो भी रोड्स पे रूल्स होते हैं वो ओबे करने ही चाहिए ठीक है कुछ ऐसा आपको नहीं दिया हुआ है कि शायद कर लो या क्या नहीं यू आर नॉट बीन आज फॉर योर ओपिनियन या फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपको सिर्फ बता दिया कि अब भैया रूल्स ओबे करना ही करना है ठीक है जैसे अभी क्या करना है ना या तो मैं ये पढ़ के अब इसका सेंटेंस बनाऊँ ठीक है बट उससे बेटर पता क्या है आप ऑप्शन को एनालाइज करो वो बेस्ट तरीका है क्या करो देखो लेट्स रीड द फर्स्ट ऑप्शन द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड रोड के क्या रूल्स हैं रोड के थोड़ी रूल्स हैं है ना तो यहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज है इसको रख देते हैं भैया साइड में वी ओबे द मस्ट रूल्स वी ओबे द मस्ट रूल्स क्या होता है कुछ भी नहीं होता मस्ट रूल्स थोड़ी कुछ होता है तो ये भी गड़बड़ है वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड हमें वी मस्ट ओबे द रूल्स रूल्स को ओबे करना चाहिए कौन से रूल्स ऑफ द रोड हाँ परफेक्ट ठीक है अब सही लग रहा है यहाँ कैसा लग रहा था रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे मस्ट बी ओबे कुछ होता ही नहीं है।, है ना तो ये जो है गलत है क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया बी के बाद ओबे रख ही नहीं सकते अब नेक्स्ट इधर बात करते हैं वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स अब आपके पास क्या है वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड या वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स अभी रूल्स का रोड नहीं होता है रोड क्या क्या बोला यहाँ पे देखो रूल्स का रोड रूल्स का रोड थोड़ी होता है रोड के रूल्स होते हैं इसीलिए ये भी गड़बड़ है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है तो बस देखो अभी बैठ के इसको करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ तो है वी वी जो है ये सब्जेक्ट होगा फिर हम मॉडल वर्ब रखेंगे ऐसे ऐसे करके करके प्लेस करते हैं क्या होता फिर ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं वही हम ऑप्शन को एनालाइज करें देखो हमको फटाफट से मिल गया एक सही सेंटेंस और आपका आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर सी तो बस इतना आसान होता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछते हैं आपसे एक ये फॉर्मेट है जिसकी नाइनटी टू नाइन

तो यहां दिया है वेराइटी ऑफ शेल्स बहुत तरह तरह के प्रकार के शंख हमको सैंडी बीचेस प्रोवाइड करते हैं भैया शंख से बीच बन जाएगा क्या नहीं ना तो ये गड़बड़ है फिर प्रोवाइड अ प्रोवाइडी ऑफ सैंडी शेल्स सैंडी होते ही नहीं है हमने पहले ही इस चीज पे ध्यान से समझ लिया हमने सैंडी प्रोवाइड अ वायटी ऑफ शेल्स बीचेस सैंडी होते हैं येस yes, डेफिनेटली हमें बीचेस पे शेल्स मिलते हैं क्या हाँ शेल्स से बीच नहीं मिलता बीच पे शेल्स मिलते हैं तो ये सही है अ सैंडी बीचेस देखो सबसे पहली बात तो आप बोल रहे हो अ फिर आप बोल रहे हो बीचेस अ फिर बोल रहे हो सैंडी बीचेस सैंडी बीच होना चाहिए था सिंगुलर तो हम थोड़ा कंसिडर करते इसीलिए यहीं पे रुक जाओ थम जाओ और इसको एलिमिनेट कर दो अब आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी कि भैया सैंडी बीचेस जो होते हैं ना वो हमको वेराइटी ऑफ शंख या शेल्स प्रोवाइड करते हैं इजी ओके चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं आपको ये नहीं पढ़ना है सीधे ऑप्शन पे आते हैं स्टोम वर सीन बिफोर द डार्क स्टोम वर सीन नहीं होता है स्टॉम सिंगुलर है स्टॉम वॉज सीन तो ये गड़बड़ है डार्क क्लाउड्स वर सीन डार्क क्लाउड्स प्लूरल हैं हाँ बिल्कुल प्लूरल है प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हो बहुत सारे क्लाउड्स हैं सो डार्क क्लाउड्स काले बादल देखे गए थे सीन बिफोर किसके पहले स्टॉम तूफान के पहले कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है मीनिंग भी सही लग रहा है और ग्रामेटिकल भी कोई एरर नहीं है तो चलो इसको रखते हैं हम डार्क क्लाउड्स व सीन द बिफोर स्टॉम द बिफोर कुछ होगा ही नहीं बिफोर द होना चाहिए तो ये भी गड़बड़ हो गई नेक्स्ट है द स्टॉम बिफोर द डार्क क्लाउड्स वर सीन स्टॉम भैया वॉज लेगा क्यों स्टॉम सिंगुलर है तो स्टॉम देखा गया ना तो वर सीन न करके वॉज सीन होता तो शायद हम देख लेते है ना तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है जिसपे हम इजीली पहुंच गए अदरवाइज आप क्या कर सकते थे आप बस तीन चार चीजें चेक कर लेते कि भैया यहां पे क्लाउड प्लूरल है स्टॉम जो है सिंगुलर है बस वही चेक अगर हम कर लें तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज स्टॉम के साथ वॉज आएगा यहाँ पे भी स्टॉम के साथ वॉज आएगा दो फिर ऑप्शन हैं डार्क क्लाउड वर सीन बिफोर द स्टॉम क्या सीन द बिफोर स्टॉम जैसे ही पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा बिफोर द स्ट्रॉन्ग होता है क्लियर ओके नेक्स्ट आते हैं इस पर नहीं जाएंगे फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं देर इज अउस नियर माई पार्क मेरे पार्क के पास में घर है हम ये नहीं बोलते हम बोलते हैं मेरे घर के पास में पार्क है अब यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है बट क्या आप ये नहीं देख सकते कि चलो ठीक है अगर आप बोल भी रहे हो कि पार्क आपका है और आप उसके बगल के घर की बात कर रहे हो कोई बात नहीं चलो ठीक है इसको ना रखते हैं अभी के लिए भूल जाओ कि मैंने इसको गलत बोला है अभी इसको रखते हैं साइड में दूसरी बात करते हैं देर इज अ पार्क नियर माई हाउस भैया मेरे घर के बगल में एक पार्क है ओके सही है नियर माई हाउस इज देयर अ पार्क इज देयर अ पार्क होता तो शायद ये क्वेश्चन टाइप का साउंड कर रहा है अब है तो नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली ये तो कुछ गड़बड़ है चौथा क्या है माई हाउस इज अ देयर इज अ देयर क्या होगा कुछ भी नहीं है माई हाउस इज देयर होता तो भी समझते इज अ देयर कुछ नहीं होता तो ऑप्शन डी भी गलत है अब इन दोनों में से बताओ क्या सही है मेरे घर के बगल में पार्क है कि मेरे पार्क के बगल में घर है ऑब्वियसली मेरे घर के पास में पार्क है यही बोलोगे ना सो देर इज अ पार्क नियर माई हाउस क्यों क्योंकि जो पार्क होगा वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो एक पब्लिक प्लेस है एक पब्लिक पार्क है है ना यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन मैंने बोला ना कि गड़बड़ है वो इसीलिए बोला बिकॉज यू कांट से एक घर है मेरे पार्क के पास में बेटर है मेरे घर के पास में पार्क है इजी ओके okay. अब ये है लास्ट क्वेश्चन और वो फॉर्मेट जो अराउंड फाइव परसेंट की पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जा सकता है बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है बट ठीक है करना कुछ नहीं है देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए अब हंड्रेड परसेंट डील कर ही लोगे क्या करना है ना अब हमको ये जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से सेंटेंस बनाना पड़ेगा ठीक है कुछ नहीं करो टू दिया हुआ है पहले टू कहा लिखा है यहां तो उसको लिख लो लाफ्टर ठीक है फिर क्या दिया हुआ है वन वन है द ओनली फीचर फिर दिया है थ्री थ्री है ब्लेस्ड विद द और फिर दिया हुआ है फोर्थ मैन इज अब इसको पढ़ना पड़ेगा हमको ठीक है लाफ्टर द ओनली क्रीचर ब्लेस्ड विद द पार मैन इज क्या है ये कुछ भी है लाफ्टर पहली बात तो क्रीचर है ही नहीं अगर हम समझदार होते मतलब अभी मेरे को पहले ही पता था हाँ ठीक है मैं क्या बोल रही हूं? अगर हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट अगर हम में ना कॉमन सेंस होता ना हम पता क्या करते हम जैसे ही पढ़ते लाफ्टर द ओनली क्रीचर हम बोलते भैया लाफ्टर तो क्रीचर है ही नहीं करेक्ट ये तो एक इमोशन है एक फीलिंग है या एक स्टेट ऑफ माइंड कुछ भी ऐसा लिखा होता जो हम थोड़ा बहुत अग्री कर लेते जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेते तो चल जाता बट लाफ्टर को क्रीचर बोलोगे क्या नहीं तो ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी ये भी उड़ गया ठीक है लाफ्टर द ओनली अब ये अगर इतना ही हम लिख लेते ना यही हम कैंसिल कर देते तो पक्का पहला ऑप्शन गलत है अब मैंने ये लिख दिया है बाकी हम सीधे सीधे पढ़ते जाते हैं ठीक है या तो ऐसे टाइम वेस्ट करो या समझदारी करो कैसे पढ़ते जाओ फोर्थ मैन इज द ओनली क्रीचर ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर मैन इज ठीक है ओनली क्रीचर मैन क्रीचर है बिल्कुल है ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर हाँ सही लग रहा है भैया जो हम लोग है मैन जो है वो अकेला क्रीचर है जिसको एक आशीर्वाद मिला है हंसने का तो ये सही लग रहा है अब पढ़ते हैं वन थ्री टू फोर द ओनली क्रीचर ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर मैन इज ये गलत है मैन इज के आगे कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है है ना तो इसीलिए ये भी गड़बड़ हो गया ढीकी बात करते हैं मैन इज ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ फिर दिया है टू लाफ्टर द ओनली क्रीचर अगेन लाफ्टर कोई क्रीचर नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या है ऑप्शन नंबर बी जहां आपका पूरा सेंटेंस जो है वो क्या बन रहा है कि मैन इज फिर दिया है द ओनली क्रीचर फिर क्या दिया हुआ भाई थ्री थ्री इज ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ और आगे क्या दिया हुआ है ऑफ के बाद लास्ट में टू है यानी लाफ्टर ठीक है अब सही है लाफ्टर के लिए पार ऑफ यूज कर सकते हो और मैन इज द ओनली क्लीजर ब्लेट परफेक्ट और आपको मिल गया आपका आंसर इजी तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है अगेन अगर बच्चों का टाइम वेस्ट कराना होगा कि भैया समझदारी से बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं ये चेक करना है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर इस तरीके का फॉर्मेट आ सकता है अदरवाइज वैसे ही आएगा जो भी हमने पहले चार क्वेश्चन डिस्कस किए डन ओके सो so this दिस वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक jumbled वर्ड्स बड़ा ही आसान सा टॉपिक है अब मैं आपको बिगनर कराऊं इंटरमीडिएट कराऊं अचीवर्स ऑब्वियसली जो हम सॉल्व करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस बच्चों जैसे लगेंगे विल बी लाइक कि वाह ऐसा ही टॉपिक क्यों नहीं है सारे के सारे टॉपिक्स ठीक है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ लेना है भले आपको शायद एक क्वेश्चन आए पूरे पेपर में बट या वो आपको मार्क्स दे जाएगा सो वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ द टॉपिक बट वी आर लेफ्ट विद वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग और ये है कि जैसे

जैसे ही साइट को खोलोगे आपके सामने ये जो पेज है ये डिस्प्ले होगा अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो आपको सारे ऑप्शंस एक प्रॉपर ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड मिलते हैं आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है बट फिर भी अगर आपको लगता है मुझे सीधे सीधे कुछ टाइप करके सर्च ही करना है आपके पास वो भी ऑप्शन है एक सर्च बार दिया हुआ है अब करो क्या बस उस ऑप्शन पे क्लिक कर दो जो भी पढ़ना चाहते हो एक डेमो दूंगी मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन और फिर उसी तरीके से बाकी को फॉलो करना लाइक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप फॉलो कर सकते हो सेम स्टेप्स को करना क्या है ओलंपियाड पर क्लिक करो रिलेटेड सारे बट आई शुड नॉट से बहुत अच्छे से पढ़ो जीके की वीडियोस देखो जब टाइम मिले क्यों क्योंकि जितना जनरल नॉलेज अच्छा होगा ना आपके लिए अच्छा है बहुत अच्छा लगता है जब हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर पता होता है अच्छा हाँ ठीक है रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है तो बिल्कुल इनहांस करो अपने जीके को बाई वॉचिंग दीके ओलंपिया करो क्या सीधे जाके क्लिक कर दो जो पढ़ना चाहते हो जैसे टेंथ आईओ को अगर हमें क्लिक करना है क्योंकि हमें उसके टॉपिक्स देखने हैं तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी अब क्लिक करो ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना चाहते हो सपोज देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू क्लिक करोगे वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए टू स्टडी फ्रॉम द वेबसाइट क्योंकि देखो कुछ सेकंड्स इन्वेस्ट किए क्लिक 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 और वीडियो मिल गया अब पढ़ो आराम से बैठ के अब क्लिक कर दो क्रॉस आइकॉन पे जैसे ही पढ़ लेते हो और वही स्टेप्स फॉलो करके बाकी वीडियोस को भी इजीली एक्सेस कर सकते हो तो इतना आसान है सो डेफिनेटली गो एंड चेक द वेबसाइट नाउ वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ वेबसाइट बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है भाई द स्केड्यूल ऑफ ओलंपिया तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की बहुत क्रूशियल है कंसिस्टेंट रहना अपनी लाइफ में और इसीलिए टाइम टेबल स्केड्यूल जैसी चीजें बनाई जाती है सो फॉर ओलंपियाज ऑल्सो यू हैव अ प्रॉपर डिफाइंड स्केड्यूल और वो क्या है एवरी मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे आपको अपने रिमाइंडर सेट करके रखने हैं कि ठीक सुबह दस बजे विद नोट बुक एंड अ पेन प्लीज बी रेडी फॉर इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस ठीक इन्हीं दिनों पे एक बजे आपको रेडी रहना है फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स वीडियोस एंड या yeah, ठीक सात बजे शाम को आपको मिल जाते हैं जीके ओलंपियाड के वीडियोज तो इन तीनों दिनों पर अपना बेस्ट दो बाय वाचिंग ऑल द वीडियोस नोटिंग डाउन द फैक्ट्स एंड या बाकी के जो दिन हैं उस पर आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर सकते हो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो या जीके फैक्ट्स को और अच्छे से एनहांस कर सकते हो बाय रिसर्चिंग मोर अबाउट इट सो दैट आपको ऑब्वियसली एक नॉलेज एनहांस करने का अपॉर्चुनिटी मिले क्लियर सो ये टाइम टेबल अच्छे से ले लो स्क्रीन ले लो आई होप अभी तक तो रिमाइंडर्स वगैरह सेट करके रख लिए होंगे आप लोगों ने कि हाँ हम मंडे ट्यूजडे वेंसडे रेडी रहते हैं फॉर फॉरियोज क्लियर ओके विदर डन विद डिशन ऑफ टूडे टॉपिक एंड इफ यू फील कि यह टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल था देन आपको पता है क्या करना है गिव इट अग फैट कम्स अपड ये आपको शेयर करना चाहिए अबाउट द वीडियो अबाउट द चैनल विद एज मेनी पीपल एस यू कैन एंड येस प्लीज डू नॉट फू गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अरवाइज आप सारे नोटिफिकेशन या अपडेट्स मिस